हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर. गाइस, अब प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6. तो ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन फॉर्मूला का सेकंड टाइप के क्वेश्चन है. तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम ये रेशियो फाइंड कर रहे थे. जो भी रेशियो, जैसे हमें यहाँ पे एक लाइन गिवन थी, हमें ए पॉइंट और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन थे. एक्स वन वाई वन ले लिया, इसका मैंने एक्स टू वाई टू ले लिया, और ये जो पी पॉइंट है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, जो एम वन एम टू थे, ये हमें यहाँ पे गिवन थे. जैसे 2:3 हमें गिवन था इसे पहले वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, और ये पॉइंट हम फाइंड कर रहे थे. ये जो पी के कोऑर्डिनेट है वो हम फाइंड कर रहे थे. लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये हमने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किए. नाउ सेकेंड टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको ए के कोऑर्डिनेट गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, और ये पी के कोऑर्डिनेट भी आपको यहाँ पे गिवन है. जो तीन कोऑर्डिनेट वो तीनों गिवन है, लेकिन हमें रेशियो फाइंड करना है कि ये वाला कोऑर्डिनेट इस लाइन को, ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करा है. तो यहाँ पे एक्चुअल में हमें फाइंड क्या करना है, एम वन और एम टू की वैल्यू फाइंड करनी है इस क्वेश्चन के अंदर. तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले जो जो वैल्यू हमें यहाँ गिवन है उसमें आप फिगर बना लो. फिगर बनाने से सबसे इजी में समझ में आता है. तो ये जो सबसे वाला पॉइंट है इसको हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, और जो डिवाइड कर रहा है उसको हम पी ले लेते हैं. तो ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो गए हमारे -3, 10. फिर बी के कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ हो गए 6, -8. ये हमारी कंप्लीट लाइन बन गई. और इनको वो रेशियो फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से बनने वाली, इन दोनों पॉइंट से जो भी लाइन बन रही है उसको डिवाइडेड बाय -1, 6. तो ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है टू पार्ट में, दो रेशियो में. तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे ये रेशियो और ये रेशियो फाइंड करना है. ये देखो, फाइंड द रेशियो, यही तो फाइंड करना है. तो एम वन और एम टू की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है, जो ये 2 और 3 है. तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के यहाँ पे दो तरीके हैं. एक तो ये है कि यहाँ पे आप लेट कर लो. तो यहाँ पे वन वेरिएबल में भी लेट कर सकते हैं और टू वेरिएबल में भी लेट कर सकते हैं. तो ये जो हमारे बुक के एग्जाम्पल्स है और वो सारे जो हमें गिवन है वो हमारे वन वेरिएबल में है, पर मैं आपको दोनों वेरिएबल का यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगी. आप इसको एम वन इज टू एम टू लेके भी सॉल्व कर सकते हो, और आप इसको के इज टू वन लेके भी सॉल्व कर सकते हो. बुक में जो एग्जाम्पल है उसमें के इज टू वन रेशियो लिया है. तो के इज टू वन रेशियो से क्या होता है, ईजी में सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, दो वेरिएबल नहीं होंगे, एक वेरिएबल से ईजिली सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पे आप दोनों मेथड में आपको बताऊंगी, जो मेथड आपको ज्यादा इजी समझ में आता है उस मेथड से सॉल्व करने का. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो लेट पी इज -1, 6 डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग, ये आपको ऐसे ही एग्जाम में पूरा राइट करना है, ज्वाइनिंग ए इज -3, 10 एंड बी इज 6, -8 इन द रेशियो के इज टू वन. ये हमने वन वेरिएबल लिया है. देन द कोऑर्डिनेट, अगर ये हमें रेशियो अगर हमें पता है, जैसे हमें 2:3 पता था, यहाँ पे वैल्यू गिवन थी, तो हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते बाय सेक्शन फॉर्मूला से. तो अब अगर ये रेशियो है तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि ए यहाँ पे हम जो यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट है वो -1, हमें 6 गिवन है, लेकिन हम अगर ये रेशियो हमें यहाँ पे के इज टू वन है तब रेशियो हमारे क्या होंगे, फिर उन दोनों को कंपेयर करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे. देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो अगर ये रेशियो के इज टू वन है तब क्या कोऑर्डिनेट आएंगे, जब रेशियो हमें नहीं गिवन है तब तो ये कोऑर्डिनेट है, जब हम रेशियो को लेट कर रहे हैं तब क्या कोऑर्डिनेट आएगा, तो वही हम फाइंड करेंगे. तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट फाइंड करने की आइडेंटिटी होती है. तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब भी रेशियो की बात आएगी यही फॉर्मूला यूज होगा. तो कोऑर्डिनेट्स आर पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू.
फिर सेकंड है हमारा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। तो हम इसको यूज करके और पी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, एम वन, तो ये हमारा यहाँ से हो गया, ये हो गया हमारा एक्स वन और ये वाई वन, ये हमारा हो गया एक्स टू, ये वाई टू, और ये के इस टू वन रेशियो लिया ना हमने, तो ये हमारा एम वन हो गया और ये हमारा एम टू हो गया। तो ये हो गया एम वन, एम वन तो हमारा हो गया के एक्स वन, के एम वन एक्स टू, तो एक्स टू हमारा है यहाँ पे सिक्स, और प्लस एम टू, एम टू इज वन, और एक्स वन, एक्स वन हमारा यहाँ है माइनस थ्री डिवाइड बाय के प्लस वन हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे लेंगे एम वन वाई टू, तो एम वन हमारा के है, वाई टू है हमारा माइनस एट प्लस, और एम वन एम टू सॉरी एम टू इज वन और वाई वन इज टेन। तो ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पुट कर लिया, ये हो गया के प्लस वन। ठीक है, ये तो जब हमने यहाँ पे ये रेशियो हमने लेट किया उसके अकॉर्डिंग तो ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में जो हमें कोऑर्डिनेट गिवन है वो हमारे कितने हैं, माइनस वन कॉमा सिक्स है। तो ऑब्वियसली ये एक्स की वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये वाई की वैल्यू इसके इक्वल होगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो सेम ही पॉइंट के ना, ये भी देखो पी के कोऑर्डिनेट है और ये भी हमारे पी के कोऑर्डिनेट है, ये भी पी के और ये भी पी के, तो इक्वल होंगे, दोनों वैल्यू हमारी सेम होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट, तो ये क्वेश्चन करने का तरीका है, जब आपको पी के कोऑर्डिनेट गिवन है, जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट गिवन है, तब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट को लेट करना है और एक पॉइंट फाइंड करना है, और ये कोऑर्डिनेट फाइंड किए पी के, ये भी पी के हैं, ये भी पी के हैं, दोनों को इक्वेट करके हमें के की वैल्यू फाइंड करनी, क्योंकि इसमें तो एक ही वेरिएबल है, ये तो हमारे हमेशा वन ही रहेगा, तो सिर्फ के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ रेशियो पता चल जाएगा। तो बट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर गिवन बाय माइनस वन कॉमा सिक्स, तो ये माइनस वन हमें सिक्स गिवन है, तो कंपेयर करेंगे x की वैल्यू को x के इक्वल रखेंगे, y की वैल्यू को y के इक्वल रखेंगे। तो ये हमारा यहां से, चाहे हम इसको यूज करके सॉल्व करें चाहे इसको यूज करके सॉल्व करें, हमें k की वैल्यू चाहिए, तो किसी भी एक को सॉल्व करके भी हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो दिस एम्प्लाइज, ये हमारा कितना हो गया, इसको सॉल्व नहीं किया इससे पहले, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया सिक्स के माइनस थ्री अपॉन के प्लस वन हो गया, ये सॉल्व किया तो यही आएगा सिक्स के प्लस माइनस माइनस थ्री इंटू वन थ्री अपॉन के प्लस वन इक्वल टू, यहां से एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस वन। ओके नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो सिक्स के माइनस थ्री इक्वल टू माइनस सिक्स अपॉन सॉरी माइनस वन, यहाँ माइनस वन आएगा, तो ये हो गया माइनस वन इंटू के प्लस वन हो गया, ये हमारा वन है ना, उसको सॉल्व किया तो ये हो गया सिक्स के माइनस थ्री इक्वल टू माइनस के, माइनस प्लस माइनस अगेन माइनस प्लस माइनस वन इंटू वन वन, तो हम के को एक तरफ ले लेते हैं और नंबर को एक तरफ, तो ये सिक्स के इधर ही रहने थे, माइनस के उधर गया तो प्लस के इक्वल टू माइनस वन, माइनस थ्री इधर आया तो प्लस थ्री, तो ये हमारा हो गया सेवन के इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो थ्री में से वन गया तो टू बचा, लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि जो नंबर बड़ा उसका साइन आएगा, तो के इक्वल टू हमारा हो गया टू और ये सेवन डिवाइड में गया तो टू बाय सेवन। तो हमें सिर्फ के की वैल्यू चाहिए, तो चाहे आप एक्स से फाइंड करो चाहे आप वाई से फाइंड करो, वैल्यू हमारी सेम ही आएगी। अब आप यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ से ये दूसरे वाले को इसको भी रख के बताती हूँ, तो ये हमारा हो गया नाउ ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एट के, तो आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, ये वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको चेक करने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ के की वैल्यू चाहिए, वो आप किसी से भी फाइंड करो, तो के प्लस वन इक्वल टू वाई की वैल्यू कितनी, क्योंकि ये हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई का कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई के कोऑर्डिनेट को वाई के इक्वल रखना है, एक्स के कोऑर्डिनेट को एक्स के इक्वल रखना है, तो वाई का कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना है सिक्स, तो ये हो गया माइनस एट के प्लस टेन इक्वल टू सिक्स इंटू के प्लस वन हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा हो गया माइनस एट के प्लस टेन इक्वल टू सिक्स इंटू के प्लस सिक्स इंटू वन सिक्स, तो ये हमारा हो गया माइनस एट के, इस के को इधर ट्रांसफर किया तो माइनस सिक्स के हो गया, और ये सिक्स यहाँ पहले से टेन इधर ट्रांसफर हो तो माइनस टेन हो गया, तो ये हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस होता है, तो एट प्लस सिक्स कितना हो गया फोर्टीन के, और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है,
फिर यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, लेकिन साइन हमारा यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि 10 बड़ा है उसका साइन आएगा। तो ये दिस इम्प्लाइज के इक्वल टू हमारा कितना हो गया, माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 14, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम, 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम, तो दिस इम्प्लाइज के इक्वल टू यहाँ से भी कितना आ गया 2/7। तो ये देखो के की वैल्यू चाहे उससे फाइंड करो चाहे इससे फाइंड करो, ये सेम वैल्यू ही आएगी। ये देखो यहाँ भी सेम वैल्यू, तो ये सेम है। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है, हैंस द रेशियो, जो ये रेशियो हो जाएगा वो हमारा के इज टू 1 था, ये यहाँ पे रेशियो हमारा कितना था, रेशियो हमारा है के इज टू 1, तो के की जगह वैल्यू रखी तो 2/7 इज टू 1, तो दिस इम्प्लाइज ये 7 इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो रेशियो हमारा कितना हो गया 2:7। ये फ्रैक्शन में होगा ना, जो भी नंबर डिवाइड में होगा वो 1 से मल्टीपल हो जाएगा। ओके या फिर हम क्या करते हैं, दोनों को 7 से, ये रेशियो इक्वल है, दोनों को 7 से मल्टीपल करोगे तो यहाँ पे तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, या 7 × 1 = 7 हो जाएगा। नहीं तो सबसे इजी याद रखने का ये तरीका, जो भी डिनोमिनेटर हो जाएगा वो 1 से मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो हमारा कितना आ गया 2:7, यानी कि M1 की वैल्यू है 2 और M2 की वैल्यू है 7। अभी मैंने आपको कहा था कि मैं ये 1 वेरिएबल हमने लेट किया K:1, मैं इसको 2 वेरिएबल में भी आपको सॉल्व करके बताती हूँ, तो आपको जो भी इजी लगे उससे सॉल्व कर लेना। तो लेट की ये जो रेशियो हमारा K:1 ना होके अब हमने क्या ले लिया, A:B ले लिया, या फिर M1:M2 ही ले लो, जो हमारे रेशियो थे वही ले लो, M1:M2 ले लिया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारा हो गया सिर्फ X2 X1 की वैल्यू पुट करनी, ये तो हमारा सेम रहेगा, तो ये हो गया M1 और X2 हमारा यहाँ कितना था 6 प्लस M2 हमारा M2 है और X1, मैं सिर्फ एक की वैल्यू फाइंड करके बता रही हूँ क्योंकि किसी भी एक को सॉल्व करना है। M2 × X1 इज -3 डिवाइड बाय M1 + M2, ये हमारा रेशियो आ गया। चलो P के जो दोनों रेशियो है वो हम यहाँ राइट कर लेती हूँ, M1 × Y2 इज -8, फिर प्लस Y1 इज 10 और ये हो गया M1 + M2। तो सेम अब ये रेशियो आ गए, जैसे यहाँ आए थे वैसे ये आ गए, अब इनको फिर से कंपेयर करेंगे, तो ये सिर्फ फर्स्ट को मैं सॉल्व करके बता रही हूँ आपको कैसे करना है। तो ये हो गया 6M1 ± -3M2 डिवाइड बाय M1 + M2 इक्वल में P का यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना -1, तो ये यहाँ पे भी कितना आएगा -1। ना उसको सॉल्व किया तो ये हुआ 6M1 - 3M2 इक्वल टू -6×M1 + M2, तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है। और ये हमारा हो गया 6M1 - 3M2 इक्वल टू -6M1 - -6M2, तो M1 को एक तरफ ले लेते हैं, M2 को एक तरफ ले लेते हैं, तो 6M1, तो ये इधर जाके हमारा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे वैल्यू फिर से रॉन्ग लिखा, 1 है, पहले भी यही मिस्टेक हुई, 1 है ना, यहाँ पे देखो P का कोऑर्डिनेट ये -1 x का कोऑर्डिनेट, तो हमने x की इक्वल रखा है, तो ये -M1 और -M2 आएगा। ओके 1 से मल्टीपल किया तो -+-1 × M1 = M1, -+-1 × M2 = M2 हो गया, तो ये यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। ओके तो ये 6M1 है, -M1 उधर गया तो +M1 हो जाएगा, -M2 यहाँ पहले से है, माइनस का इधर आएगा तो +3M2 हो जाएगा, तो 6M1 + 1M1 हो गया 7M1, +-, तो 3 में से 1M2 गया तो 2M2 हो जाएगा और साइन हमारा प्लस का रहेगा। तो हमें रेशियो चाहिए, M1 और M2 का रेशियो चाहिए, तो ये M1 तो यही रहा, M2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, फिर 2 यही रहेगा और ये 7 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो अभी भी देखो दोनों का रेशियो कितना रहा, 2/7 ही तो आ रहा है, और यहाँ पे भी तो यही आ रहा है 2:7, तो हैंस M1:2 M2 = 2:7 हो गया, यही तो रेशियो को हम इसी तरह से तो लिखते हैं। तो आप चाहे 2 वेरिएबल में सॉल्व करो चाहे 1 वेरिएबल में सॉल्व करो, आंसर आपका सेम आ रहा है। तो जो भी आपको मेथड इजी लगता है आप उसको यूज कर सकते हो, अगर इसको भी आप सॉल्व करोगे तो रेशियो हमारा ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे जब हम रेशियो फाइंड करना है तो M1 वेरिएबल एक तरफ लेना है, तो यहाँ पे M2 मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ 7 मल्टीपल में है तो डिवाइड में आ जाएगा। इस तरह से हमको फाइनल आंसर मिल गया। तो हैंस द पॉइंट, फाइनल आंसर लिख लेते हैं, हैंस द पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी
in the ratio 2:7. दिस इज द फाइनल आंसर. तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझे. अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू.